फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 9 अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, जो पक्षकारों के उपस्थित होने और उनके ना उपस्थित होने पर क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में बात करेंगे। इसका रूल 1 कहता है, पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड इन समन्स फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। इसका रूल 1 कहता है कि पक्षकार उस दिन उपसंजात होंगे जो प्रतिवादी के उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए समन में नियत है। जब कोर्ट समन जारी करती है तो उस पर 3 डेट फिक्स कर देती है। उस समन पर ही जब समन जारी करती है तो समन पर 3 डेट उसमें लिखी रहती हैं। एक डेट पर वह कोर्ट में अपीयर हो और दूसरी डेट में जो मेंशन होती है उसमें उस दावे का आंसर उसको देना होता है, और तीसरी डेट में इश्यूज फ्रेम होते हैं, इश्यूज के लिए होता है। तो ये 3 डेटें उस समन में ही लिख करके दी जाती हैं कि आपको इस दिन उपस्थित होकर इस दिन आंसर देना है और इस दिन इश्यूज डिसाइड होंगे। तो ये 3 बातें दी जाती हैं। तो इसमें यही कहा कि वह इन 3 डेट में, जो पहली डेट है जिसमें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना समन में दिया गया है, तो वह स्वयं या उसका अभिकर्ता, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो, या प्लीडर, इन 3 के माध्यम से वह किसी तरह से उस न्यायालय में सुनवाई के दिन उपस्थित होगा। और अगर न्यायालय स्वयं उसकी कार्रवाई को स्थगन करती थी, आगे नहीं बढ़ा देता, तो उस दिन पक्षकार उपस्थित होंगे और कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। ये बात इसके रूल 1 में कह दी गई। अब इसके रूल 2 में कहे हैं कि डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स नॉट सर्वड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिफ्स फेलियर टू पे कॉस्ट। जब समन जारी किया जाता है, इसका रूल 2 कहता है, जहां समनों का तामीला खर्च देने में वादी के असफल रहने में परिणाम स्वरूप नहीं है, वहां वाद का खारिज किया जाना। मतलब क्या है कि जब कोर्ट में हम बात को दाखिल किए और कोर्ट ने उस बात को रजिस्टर्ड करके समन जारी कर दिया, अब समन जारी करने पर उसमें कोर्ट ने वादी के लिए कहा कि इस तरह के से समन जाएगा और इसके लिए वादी न्याय शुल्क, जो समन भेजने का शुल्क है, वो अदा करे, तो उसमें रजिस्टर्ड डाक की टिकट हो सकती है या कोई स्पेशल मैसेंजर हो सकता है जिसमें उसकी कास्ट रखी हो गई होगी कि स्पेशल मैसेंजर की फीस ये है। तो उसे अगर न्यायालय में वह वादी नहीं जमा किया 7 दिन के भीतर, जब कोर्ट ने समन जारी किया, तब उसने नहीं जमा किया फीस, और इस वजह से, उसके फीस ना जमा करने की वजह से प्रतिवादी को नोटिस नहीं गई और उस पर तामीला नहीं हुआ, तो फॉल्ट किसकी हो गई? वादी की फॉल्ट हो गई। तो उसकी इस गलती के लिए कोर्ट वाद को खारिज कर सकता है कि उसने जो समन भेजना है उस समन के लिए उसने डाक टिकट का पैसा नहीं दिया, या जो स्पेशल मैसेंजर के लिए भेजा जाना था, फीस जमा करना था, वो नहीं जमा किया, तो वादी की गलती से कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ और प्रतिवादी को समन नहीं रिसीव हो पाया। अब इसका रूल 3 कहता है, वेयर नीदर पार्टी अपीयर्स सूट टू बी डिसमिस्ड। इसका रूल 3 कहता है, जहां दोनों में से कोई भी पक्षकार उपसंजात नहीं होता है, वहां वाद का खारिज किया जाना। जिस दिन कोर्ट की कार्रवाई चल रही है और कोर्ट के द्वारा पुकार लगवाई गई कि फला फला व्यक्ति उपस्थित हो, और वहां पर कोर्ट के समक्ष कोर्ट में ना तो वादी उपस्थित हुआ और ना ही प्रतिवादी उपस्थित हुआ,
मतलब दोनों पक्षकार में से कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ, तो कोर्ट उस वाद को उस दिन खारिज कर सकता है। ये बात रूल थर्ड में कह दी गई। अब रूल फोर में क्या कहा, प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट और कोर्ट में रिस्टोर सूट टू फाइल। इसका रूल फोर कहता है कि वादी नया वाद ला सकेगा या न्यायालय वाद को फाइल पर प्रत्यावर्तित कर सकेगा। मतलब क्या है कि रूल थ्री में कहा कि दोनों पक्षकार उपस्थित नहीं होते हैं तो वाद को खारिज कर दिया गया। मान लिया कोर्ट ने वाद को खारिज कर दिया, तो खारिज करने के बाद में अब वादी का क्या क्या चीज बची, तो वादी उस जगह पर नया वाद ला सकता है। पहली बात, क्या ला सकता है, नया वाद ला सकता है। दूसरी बात, उचित कारण बताते हुए समय के भीतर प्रार्थना पत्र दे करके उस ही दावे को रिस्टोर करा सकता, मतलब पुनः चालू करवा सकता है। कोर्ट समझती है कि उचित कारण है कि वह अपीयर इस वजह से नहीं हो पाया, तो वह खर्चे पर कास्ट पर उस दावे को फिर से रिस्टोर करके आगे चला सकता है और दावा रनिंग में आ सकता है। अब इसका रूल फाइव कहता है, डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन्स रिटर्न्ड अनसर्व्ड फेल्स फॉर 3 months टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन्स। अब इसमें से एक इन्होंने रूल फाइव कहा, जहां वादी समन तामीला के बिना लौटाने के पश्चात 7 दिन तक नए समन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, वहां वाद का खारिज किया जाना। अब कोर्ट में क्या किया गया, कोर्ट ने समन जारी करने का आदेश किया और वादी ने प्रतियां दाखिल करके जो फीस है वो दाखिल करके समन जारी करा दिया और समन प्रतिवादी के पास में गया। लेकिन प्रतिवादी ने क्या किया, उस समन को नहीं लिया, लौटा दिया, या प्रतिवादी के पास में वो समन नहीं पहुंचा किसी कारणवश और उस दिन वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। तब कोर्ट को क्या है कि वह पुनः समन जारी करने के लिए अगर वादी प्रार्थना पत्र नहीं दे देता है जब लौट आया समन उसके 7 दिन के भीतर, अगर वादी ने 7 दिन के भीतर पुनः समन जारी करने का प्रार्थना पत्र नहीं दिया, तब भी वाद को खारिज किया जा सकता है। ये बात इसका रूल फाइव कहता है। अब रूल सिक्स इसका कहता है, प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स। रूल इसका सिक्स कहता है कि जब केवल वादी उपसंजात होता है तब प्रक्रिया क्या होती है। अगर कोर्ट में केस चरणिंग कंडीशन में आ गया और प्रतिवादी को समन का तामीला हो गया, तामीला होने के बाद में प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित हो गया या समन उसको प्राप्त हो गया, ये कोर्ट को पक्का हो गया कि कोर्ट प्रतिवादी को समन जारी है और कोर्ट में हियरिंग के दिन प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता, केवल उपस्थित कौन होता है, वादी उपस्थित होता है, तो कोर्ट उसको प्रतिवादी को जवाब देने या आगे प्रोसीड करने के लिए मना कर सकता है। वह एक पक्षी केस को आगे प्रोसीड कर सकता है, एक्स पार्टी कर सकता, मतलब एक पक्षी उस केस को आगे बढ़ा सकता है। दूसरी बात कहा, अगर उसको समन दिया गया और समन नहीं मिला तब वो कैसे उपस्थित होगा, तो कोर्ट उसको पुनः दोबारा समन भेजने का आदेश कर सकता है। तीसरी बात इन्होंने कही, अगर समन उसको दिया गया, उसे समन मिल गया, समन मिलने के बाद मान लो कि एक दिन पहले ही उसे समन मिला तो वह उपस्थित नहीं हुआ, इसका मतलब उपस्थित होने और समन प्राप्त करने के बीच का समय उसको बहुत कम मिला और उस समय में वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता, तब फिर कोर्ट क्या करेगा,
उसकी सुनवाई की अगली तारीख नियत कर देगा, उस तारीख पर कोई भी निर्णय या सुनवाई नहीं करेगा। अब इसका रूल 7 कहता है, प्रोसीजर वेयर डिपेंडेंट अपीयर्स ऑन डे ऑफ एडजर्नड हियरिंग एंड ब्रिंग्स गुड कॉज फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस। इसका रूल 7 कहता है कि प्रतिवादी जहां स्थगित सुनवाई के दिन उपसंजात होता है और पूर्व उपसंजात के लिए अच्छा हेतु दिखाता है वहां प्रक्रिया। अब प्रतिवादी के खिलाफ में 6 में क्या कर दिया गया कि एक्सपार्टी कर दिया गया, एक पक्षी कर दिया गया, क्योंकि उस दिन प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ था, एक पक्षी कर दिया गया। तो रूल 7 कहता है कि प्रतिवादी अगली तिथि पर या उसके आगे उपस्थित हो जाता है और उपस्थित होकर के प्रार्थना पत्र देता है कि जिस दिन उसका एक्स पार्टी हुआ, एक पक्षीय कार्रवाई के लिए अग्रसारित हुआ केस, उस दिन वह विलंब से पहुंचा या किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया, जबकि उसके पूर्व में वह रेगुलर पहुंचता रहा और उसने कोर्ट के आदेशों का पालन किया, अगर उसके प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ये समझ जाता है कि नहीं, वास्तव में ये इस दिन जानबूझ करके एब्सेंट नहीं हुआ, कोर्ट में उपस्थित होना चाहता है, दावे में कार्रवाई करना चाहता है, तो कोर्ट कॉस्ट पर, खर्चे पर उसको अलाउ कर सकता है और सुनवाई में उसी तरह से उसको करेगा कि जैसे वो उसके खिलाफ में एक्स पार्टी हुआ ही ना हो, मतलब एक पक्षीय कार्रवाई हुई ही ना हो, ऐसे उसको शामिल कर लेगा, मतलब प्रतिवादी को दोबारा केस में शामिल होने का आदेश कर सकता है। तो अभी बड़े इजी रूल थे, रूल 1 से लेकर के रूल 7 तक ऑर्डर 9 के इसमें डिस्कस कर दिए। अब रूल 8 से लेकर के रूल 14 तक हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।